Hello and welcome to Filler Form. I am Ali Makhtar, sociology teacher at Filler Form. So, आज हम लोग GH Meet के कुछ कॉन्सेप्ट करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग कॉलमैन हीम के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. सो दो मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सो हम लोग जीएच मीट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, उसी से के आगे हम लोग कॉन्सेप्ट करने वाले हैं. मैंने पीडीएफ कल इसी वजह से अपलोड नहीं किया था क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए थे और ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं थे, इसलिए मैं सोचा कि एक ही पीडीएफ में रहेगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा. सो इमिटेशन हम लोग कर चुके थे. इमिटेशन के अलग अलग जो स्टेजेस थे उसको हम लोग पढ़ चुके हैं. तो थ्योरी ऑफ इंटर सब्जेक्टिविटी आज हम लोगों को करना था. थ्योरी ऑफ इंटर सब्जेक्टिविटी में जीएच मीट क्या कहना चाहते हैं वो हम लोग देख लेते हैं. सिग्निफिकेंट अदर्स की बात करते हैं सबसे पहले. थ्योरी ऑफ इंटर सब्जेक्टिविटी, ठीक. सिग्निफिकेंट अदर्स आर दोज हु हैव एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस और प्ले अ फॉर्मेटिव रोल इन शेपिंग द बिहेवियर ऑफ अनदर. तो सिग्निफिकेंट अदर्स जो होते हैं वो कौन लोग होते हैं? दोज हु हैव एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट असर डालते हैं और प्ले अ फॉर्मेटिव रोल, एक फॉर्मेटिव रोल अदा करते हैं शेपिंग बिहेवियर ऑफ अनादर, दूसरों के बिहेवियर को शेप करने में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, ये सिग्निफिकेंट अदर. लाइक फैमिली, पीयर ग्रुप, हमारी फैमिली या हमारे जो पीयर ग्रुप होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे अपने डेवलपमेंट में, हमारे अपने बिहेवियर के डेवलपमेंट में. तो जो हमारी फैमिली है या जो हमारे पीयर ग्रुप हैं वो क्या होते हैं? वो सिग्निफिकेंट अदर्स होते हैं, ठीक. अंततः विषयता का सिद्धांत, ठीक. महत्वपूर्ण अन्न, सबसे पहले क्या आता है? महत्वपूर्ण अन्न. अंततः विषयता का सिद्धांत में महत्वपूर्ण अन्न यानी कि जो सिग्निफिकेंट अदर है उसका जो ट्रांसलेशन है वो है महत्वपूर्ण अन्न. महत्वपूर्ण अन्न वे है जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव या दूसरों के व्यवहार को आकार देने में एक प्रारंभिक भूमिका निभाते हैं. तो ये जो है दूसरे पर्सन को आकार देने में बहुत ही प्रारंभिक भूमिका निभाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं एक किसी भी व्यक्ति के जीवन में, ठीक. जैसे कि हमारा परिवार या हमारे सहकर्मी, तो हमारा परिवार या हमारे जो सहकर्मी होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे अपने व्यवहार को बनाने में, उसको आकार देने में, ठीक. नेक्स्ट आता है जनरलाइज अदर, सामान्यीकृत अन. जनरलाइज अदर इज अ स्पेशल केस ऑफ रोल टेकिंग. तो जनरलाइज अदर क्या है? एक स्पेशल केस है रोल टेकिंग का, इन विच द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू सोशल गैस्चर. इसमें इंडिविजुअल जो है सोशल गैस्चर का को रिस्पॉन्स करता है एंड टेक्स ऑफ एन एडजस्ट कॉमन एटीट्यूड, और उसकी वजह से एक अलग ही एटीट्यूड और एक अलग ही एटीट्यूड को एडजस्ट करना शुरू कर देता है, ठीक. समान्वीकृत अन्न भूमिका निभाने का एक विशेष मामला है जिसमें व्यक्ति सामाजिक इशारों पर प्रतिक्रिया करता है, जो समाज के इशारे होते हैं उससे, मतलब समाज में जो भी प्रक्रिया होती है उसको रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है और समान व्यवहारों को अपनाता है और समायोजित करता है. तो समान व्यवहारों को अपनाता है और उसके साथ साथ उन व्यवहारों को समायोजित करता है. By role taking, people adjust and adopt in exchange based on social gesture response action sequences.
तो रोल टेकिंग के जरिए आप कोई भी रोल अगर लेते हैं तो उसी हिसाब से अपने आप अपने बिहेवियर को, अपने गेस्चर को, अपने रिस्पॉन्स को या एक्शन सिक्वेंस को उसी हिसाब से अडॉप्ट करते हैं, उसी हिसाब से चेंज करते हैं, ठीक, या एडजस्ट करते हैं। भूमिका निभाने के द्वारा लोग सामाजिक हावभाव प्रक्रिया क्रिया अनुक्रमों के आधार पर आदान प्रदान में समायोजित और अनुकूलित होते हैं, ठीक। तो जनरली आपको ये देखना है कि सिग्निफिकेंट अदर गेस्चर अदर में सिग्निफिकेंट अदर में आपकी फैमिली और पीयर ग्रुप यानी कि आपका परिवार या आपके जो सहकर्मी होते हैं वो आ जाते हैं, लेकिन जनरलाइज अदर में बाकी लोग आ जाते हैं। जो आपके फैमिली और पीयर ग्रुप नहीं है, बाकी लोग जो है आपके जनरलाइज अदर्स में आ जाते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जबकि जो सिग्निफिकेंट अदर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रिफ्लेक्टिव रोल टेकिंग। रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो भी जीएच मिड ने दिया है। वेयर एन इंडिविजुअल लुक्स एट देयर ओन रोल परफॉर्मेंस, जहाँ पे जो है इंडिविजुअल अपने आप के रोल परफॉर्मेंस को देखता है, एक जो भी वो रोल कर रहा है उसको देखता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अनादर पर्सन, दूसरे के पर्सन के पर्सपेक्टिव में देखता है। मतलब मैंने कुछ काम किया, अब देख रहा हूँ कि वो लोग उस काम को किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मैंने कुछ कोई भी प्रतिक्रिया दी, कोई भी परफॉर्मेंस किया, कोई रोल परफॉर्म किया, और ये देख रहा हूँ कि जो भी मैंने रोल किया है उसके अपोजिट लोग किस तरह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं ना लोग क्या कहेंगे। तो जो लोग क्या कहेंगे, ये क्या है, एक तरह का रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग, ठीक। रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग क्या है, लोग क्या कहेंगे, सीधा यही मतलब है इसका। तो हम अपने आप को, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम रोल परफॉर्म करते हैं सोसाइटी में, वो हम देखते हैं कि दूसरे लोग लोगों का उस पे क्या पर्सपेक्टिव है, ठीक, उसी को रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग कहा जाता है, जहाँ एक व्यक्ति अपनी भूमिका के प्रदर्शन को दूसरे व्यक्ति के जरिए देखता है। तो जो भी वो भूमिका कर रहा है उसको देखता है कि दूसरे व्यक्ति उस भूमिका के ऊपर क्या प्रतिक्रिया देंगे, ठीक। इन टेकिंग द व्यू पॉइंट ऑफ अनादर दे आर एबल टू सी देमसेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट एज इफ फ्रॉम द आउटसाइड, तो इन टेकिंग द व्यू ऑफ अनादर, तो दूसरे लोगों के व्यू पॉइंट लेने के चक्कर में दे आर एबल टू सी देमसेल्फ, तो वो अपने आप को देख पाते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, एक चीज के तौर पे, अपने आप को जो है एक चीज के तौर पे देखते हैं एज इफ फ्रॉम द आउटसाइड। मतलब जैसे दूसरे लोग बाहर से हमें देख रहे होते हैं, हम भी उसी तरह अपने आप को देखते हैं, ठीक। तो यही क्या है, रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग, दूसरे का दृष्टिकोण लेने में वे स्वयं को एक वस्तु के रूप में देखने में सक्षम होते हैं, जैसे कि बाहर से। तो जैसे कि कोई बाहर का आदमी आपको देखता है, उसी तरह आप भी हो जाते हैं, अपने आप अपने रोल को भी आप उसी तरह देखने लगते हैं, दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं। तो दूसरे की पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं मतलब आप भी बाहर के लोग हो गए, ठीक। मी डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द मी एंड द आई, मी ने जो है मी और आई दोनों में डिफरेंस बताया है। द मी इज द स्पेशल सेल्फ, तो मी क्या है, उन्होंने मी को क्या कहा, स्पेशल सेल्फ, एंड द आई इज द रिस्पॉन्स टू द मी, और आई जो है वो रिस्पॉन्स है मी का, ठीक। तो ये पता होना चाहिए आपको, और ये इन्होंने माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी में बताया। मीड मैं और मैं के बीच अंतर करते हैं, मैं और आई और मी का ट्रांसलेशन देखिए, मैं और मैं ही होता है। तो अब हिंदी में इसको किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है वो आप लोग देख लीजिएगा, बुक वगैरह में आपको मिल जाएंगी ये सब चीजें, ठीक। बस आपको जनरल चीजें समझनी है, ठीक। तो मैं और मेरा कर दे रहा हूं मैं, तो मी मैं और मेरा के बीच अंतर करते हैं मी। मैं सामाजिक स्वयं है, यानी कि जो मी है वो क्या है, यानी कि जो मेरा है वो क्या है, सामाजिक स्वयं है, और मैं जो है वो सामाजिक स्वयं का यानी कि मेरा का जो है वो रिस्पॉन्स है, ठीक। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी में इन्होंने ये बात बताई। अब इनकी जो बुक्स हैं वो देख लेते हैं, बुक्स कौन कौन सी हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड की। तो सबसे पहली बुक है जो वो माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी है, जो 1934 में पब्लिश हुई। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपको इसी से पूछे जाते हैं, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी से, मोमेंट ऑफ द थॉट इन द 19th सेंचुरी, ये भी बुक है जॉर्ज हर्बर्ट मीड की, जो पब्लिश हुई थी 1936 में। गुड इवनिंग।
ये 1936 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट बुक है जो है एस्से इन सोशल साइकोलॉजी, ये 2001 में पब्लिश हुई, एस्से इन सोशल साइकोलॉजी प्ले स्कूल एंड सोसाइटी 2001 में ये भी पब्लिश हुई थी। ठीक, तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे जॉर्ज हर्बर्ट मीड के जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक बार देख लेते हैं सारे कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम लोग कार्ल मैन ही इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने उनकी मेथडोलॉजी देखी, जो साइको सोशल थिंकर थे वो फादर ऑफ सिंबॉलिक इंटरक्शनिज्म, फादर एंड फाउंडर माने जाते हैं। नेक्स्ट, सिंबॉलिक इंटरक्शनिज्म, सिंबॉलिक इंटरक्शनिज्म के बारे में बात करते हैं, वो यानी कि प्रतीकात्मक बातचीत। फिर आ जाता है प्रैग्मेटिज्म, सोशल बिहेवियरिज्म, सामाजिक व्यवहारवाद, सिग्निफिकेंट सिंबल, महत्वपूर्ण प्रतीक, सिग्निफिकेंट गेस्चर, महत्वपूर्ण सारे। ठीक, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, मन स्वयं और समाज, लैंग्वेज भाषा, प्रिमिटिव एक्ट आदिम अधिनियम, फोर बेसिक स्टेजेस ऑफ एक्ट विच आर डायलेक्टिकली इंटर रिलेटेड, कार्य के चार बुनियादी चरण को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, इमिटेशन के अलग अलग स्टेजेस को हम लोग पढ़ चुके हैं, स्टेजेस ऑफ सेल्फ पढ़ चुके हैं हम लोग, प्ले स्टेज, गेम स्टेज एंड लास्ट वन इज सोशल क्लास, प्ले स्टेज, गेम स्टेज एंड पहला जो था वो क्या था, इमिटेशन स्टेज। ठीक, सोशल क्लासेस, सामाजिक वर्ग के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, थ्योरी ऑफ इंटर सब्जेक्टिविटी, सिग्निफिकेंट अदर्स, महत्वपूर्ण अन, जनरलाइज्ड अदर्स, सामान्यकृत अन, रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग, तो ये हम लोगों ने पढ़ा है। फिर बुक के बारे में पढ़ा है, तो ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट हैं कार्ल मैन ही इनके। सो कार्ल मैन हीम के कॉन्सेप्ट आज हम लोग करने जा रहे हैं। कार्ल मैन हीम का जो कॉन्सेप्ट, जो उनके बारे में पढ़ लेते हैं पहले। कार्ल मैन हीम वाज एन इन्फ्लुएंस हंगेरियन सोशोलॉजिस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक, तो ये इन्फ्लुएंशियल हंगेरियन सोशोलॉजिस्ट थे। ही इज अ की फिगर इन क्लासिकल सोशोलॉजी। क्लासिकल सोशोलॉजी अगर हम देखते हैं तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट फिगर माने जाते हैं, एज वेल एज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज के फाउंडर हैं, वन ऑफ द फाउंडर, मतलब सिर्फ यही नहीं है, कई लोग सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज के फाउंडर हैं, लेकिन उनमें से एक कार्ल मैन हीम भी है। ठीक, इनका बॉर्न हुआ 27 मार्च 1893 में हंगरी में। ठीक, डाइड ये हुए 9 जनवरी 1947, यूनाइटेड किंगडम, यूके में। इन्फ्लुएंस बाय, ये किससे इन्फ्लुएंस थे, जॉर्ज सिमेल से, फेडरिश नेट्स से और एडमंड हसल से, वेल विलियम डिल्थी से। ठीक, और इनसे कौन इन्फ्लुएंस थे, नोबर्ट एलियस, सी राइट मिल्स, रिचार्ड हॉफस्टाडर, हॉफस्टेटर, जेब्रिल रोसेंथाल। ठीक, तो ये सारे लोग इनसे इन्फ्लुएंस थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आप सी राइट मिल को इम्पोर्टेंट मान सकते हैं, बाकी थिंकर उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये कार्ल मैन हीम के बारे में, तो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इनके, आज ही की क्लास में इनके सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है।
तो इनकी मेथडोलॉजी सबसे पहले देख लेते हैं। मेथडोलॉजी में आता है माइक्रो एंड माइक्रो सोसाइज। तो इनकी जो मेथडोलॉजी थी, इन्होंने सिर्फ माइक्रो और मतलब सिर्फ माइक्रो या माइक्रो सोसाइजी की स्टडी नहीं की, बल्कि बोथ, दोनों को साथ लेकर चले, माइक्रो और माइक्रो समाजशास्त्र। अब दोनों में फर्क क्या है ये मैं बता दे रहा हूँ आपको, माइक्रो और माइक्रो में क्या फर्क होता है। माइक्रो और माइक्रो, ठीक, माइक्रो कहते हैं सूक्ष्म, यानी जो बहुत छोटा होता है। तो जब आप इंडिविजुअल लेवल से स्टडी करते हैं सोसाइटी को, सोसाइटी को इंडिविजुअल लेवल पे आप जब स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, माइक्रो सोशियोलॉजी कहा जाता है। जब आप सोशियोलॉजी को एज अ होल सोसाइटी लेवल पर स्टडी करते हैं, समाज के तौर पे आप स्टडी करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, माइक्रो कहा जाता है, बड़े लेवल पे। जब आप बड़े लेवल पे सोशियोलॉजी को, समाजशास्त्र को स्टडी करते हैं तो उसको माइक्रो कहा जाता है, और जब उसी को इंडिविजुअल लेवल पे यानी कि व्यक्तिगत लेवल पे आप स्टडी करते हैं तो उसको माइक्रो समाजशास्त्र कहा जाता है। ठीक, दूसरे फॉलोड हर्मेनिटिक्स प्रिंसिपल, ये ज़्यादातर हर्मेनिटिक्स मतलब हर्मेनिटिक्स प्रिंसिपल को इन्होंने फॉलो किया है, उसी के सिद्धांत को इन्होंने, उसी के सिद्धांत का इन्होंने पालन किया। हर्मेनिटिक्स सिद्धांत जैसा कि आप जानते हैं क्या होता है, जब आप डीप स्टडी करते हैं किसी चीज को, डीप अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो उसको हर्मेनिटिक्स कहा जाता है। ही इज अ की फिगर इन क्लासिकल सोशियोलॉजी। क्लासिकल सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी में ये की फिगर थे, एज वेल एज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, सिस्टमैटिक सोशियोलॉजी इन्होंने ही स्टडी किया है, सिस्टमैटिक सोशियोलॉजी। वह वो समाजशास्त्री समाज में एक प्रमुख व्यक्ति हैं, साथ ही ज्ञान के समाजशास्त्र के संस्थापक में से एक है। व्यवस्थित समाजशास्त्र की बात इन्होंने किया है। ठीक, बाकी हम लोग उनके बारे में जब पढ़ रहे थे तो ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि सिस्टमैटिक सोशियोलॉजी यानी कि व्यवस्थित व्यवस्थित समाजशास्त्र के बारे में बात किया है इन्होंने कार्ल मार्क्स ने। सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, तो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज में ये क्या कहते हैं कि हम लोग देख लेते हैं, ज्ञान का समाजशास्त्र। हिज सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज ब्रॉडन्ड कार्ल मार्क्स नोशन दैट द प्रोलेटेरिएट एंड बर्जुआजी डेवलप डिफरेंट बिलीफ सिस्टम। तो इनका जो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज था, उन्होंने कार्ल मार्क्स का जो नोशन था उसको ही आगे बढ़ाया है। कार्ल मार्क्स का नोशन क्या था कि जो प्रोलेटेरिएट हैं या बर्जुआजी हैं वो जो है अलग अलग बिलीफ उनका होता है, प्रोलेटेरिएट और बर्जुआजी जो है उनका अलग अलग बिलीफ होता है। प्रोलेटेरिएट और बर्जुआजी हम लोग कार्ल मार्क्स के उसमें पढ़ चुके हैं। बर्जुआजी कहते हैं जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है यानी कि जो ओनर्स होते हैं, प्रोलेटेरिएट होते हैं जो वर्कर होते हैं। ठीक, तो दोनों का अलग अलग बिलीफ होता है, दोनों अपने अंदर अलग अलग बिलीफ को डेवलप करते हैं, बिलीफ सिस्टम को डेवलप करते हैं। यही जो है बात किया है कार्ल मार्क्स ने सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज में। उनके ज्ञान के समाजशास्त्र ने कार्ल मार्क्स की धारणा को व्यापक किया कि सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग अलग अलग विश्वास प्रणाली विकसित करते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग जो है वो अलग अलग विश्वास प्रणाली विकसित करते हैं, और इसी को बढ़ावा दिया है कार्ल मार्क्स के ज्ञान का समाजशास्त्र ने। In Mannheim's view, social conflict is caused by diversity in thousands and in thoughts and beliefs. ठीक, तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों के बीच में, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है प्रोलेटेरिएट और बर्जुआजी के बीच में, वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि दोनों के थॉट्स और बिलीफ अलग अलग होते हैं। बिलीफ यानी आइडियोलॉजीज। ठीक, तो थॉट्स, बिलीफ, आइडियोलॉजीज ये अलग अलग होते हैं, इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है एमंग मेजर। और जो कार्ल मार्क्स हैं वो क्या कहते हैं कि ओनरशिप की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन ये कहते हैं कि थॉट और बिलीफ की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। यहाँ पे डिफर करते हैं ये कार्ल मार्क्स से, कार्ल मार्क्स से थोड़ा अलग होते हैं ये, और ये कहते हैं कि ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन की वजह से मतलब या एक्सप्लाइटेशन की वजह से जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, बल्कि दोनों के थॉट्स और बिलीफ अलग होते हैं, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है।
among major segment of society that drives from differences in social location. तो कई अलग अलग सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि लोगों के थॉट्स एंड बिलीफ अलग अलग होते हैं, ठीक, इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। मैनहीम के विचार में सामाजिक संघर्ष समाज के प्रमुख वर्गों के बीच विचारों और विश्वासों में विविधता के कारण होता है। तो समाज के जो प्रमुख वर्ग है या समाज के प्रमुख वर्गों के बीच जो है किस वजह से संघर्ष होता है, तो उसको मैनहीम ने कहा है कि ये विश्वासों और विचारधाराओं यानी कि इन दोनों की विविधता की वजह से होता है। ठीक, सोच विचार और विश्वास, ठीक, इनकी वजह से, इनकी विविधता की वजह से होता है, क्योंकि सारे लोगों की सोच अलग होती है, विश्वास अलग होते हैं या विचारधारा अलग होती है। ही डिफाइंड एज अ थ्योरी ऑफ द सोशल और एग्जिस्टेंशियल कंडीशन ऑफ थॉट्स। ठीक, उन्होंने सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज को क्या कहा कि थ्योरी ऑफ सोशल एग्जिस्टेंशियल कंडीशन ऑफ थॉट। उन्होंने विचार की सामाजिक या अस्तित्वगत कंडीशनिंग की सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया। ठीक, मैनहीम व्यूड ऑल नॉलेज एंड आइडियाज एज बाउंड टू अ पर्टिकुलर लोकेशन। तो उन्होंने, उनका क्या बिलीफ था कि जितने भी नॉलेज या आइडियाज होती हैं वो किसी एक लैंग्वेज से, किसी एक लोकेशन से ही बिलोंग करती हैं। ठीक, मतलब कि एक लोकेशन से, मतलब जहाँ की वो नॉलेज जहाँ से डेवलप हुई और जहाँ से वो आइडिया डेवलप हुई उसी लोकेशन से वो बिलीव करते हैं, उसी लोकेशन से वो बिलोंग करते हैं। विद इन द सोशल स्ट्रक्चर, और उसी सोशल स्ट्रक्चर के बीच में एन हिस्टोरिकल प्रोसेस, और उसी हिस्टोरिकल प्रोसेस। तो मैनहीम व्यूड ऑल नॉलेज एंड आइडियाज एज बाउंड टू अ पर्टिकुलर लोकेशन विद इन द सोशल स्ट्रक्चर एंड हिस्टोरिकल प्रोसेस। तो एक ही सोशल स्ट्रक्चर और हिस्टोरिकल प्रोसेस की जो लोकेशन है उसी लोकेशन के लिए कोई भी आइडियाज या नॉलेज जो है बाउंड होती है, मतलब कि जिस लोकेशन में वो आइडिया या नॉलेज डेवलप हुई उसी के लिए वो बाउंड होती है, उसी में वो सबसे ज़्यादा प्रचलित होती है। मैनहीम ने सभी ज्ञान और विचारों को सामाजिक संरचना और ऐतिहासिक प्रक्रिया के भीतर एक विशेष स्थान के रूप में देखा। ठीक, तो मैनहीम ने क्या कहा, ज्ञान और विचार जो है वो सामाजिक संरचना और ऐतिहासिक प्रक्रिया के बीच एक विशेष स्थान के रूप में होते हैं। ठीक, मतलब उसी स्थान के लिए ही होते हैं, किसी और स्थान के लिए नहीं होते। थ्री स्टेजेज ऑफ हिज स्टडी, उन्होंने जो स्टडी किया उसके तीन स्टेजेज हैं। किस किस तरह से उन्होंने स्टडी किया उसके तीन स्टेजेस हैं। अब वो तीन स्टेजेस कौन कौन से हैं, उनके अध्ययन के तीन चरण हैं। तीन चरण कौन कौन से हैं, एपिस्टेमोलॉजिकल इम्प्लीकेशन, तो सबसे पहला आता है एपिस्टेमोलॉजिकल इम्प्लीकेशन, ज्ञान मीमांसीय निहितार्थ। तो सबसे पहले उनकी जो मेथोलॉजी थी वो एपिस्टेमोलॉजिकल थी, ठीक, ज्ञान मीमांसीय थी। उसके बाद जो दूसरा स्टेज आया वो क्या आया, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। ठीक, बाद में उन्होंने स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी के स्ट्रक्चर की स्टडी की, और कैसे स्टडी की, कंबाइंड माइक्रो एंड मैक्रो, तो दोनों लेवल पे स्टडी की, इंडिविजुअल लेवल पे और सोसाइटल लेवल पे भी, इंडिविजुअल लेवल पे और सोसाइटल लेवल पे, दोनों लेवल पे, यानी कि माइक्रो एंड मैक्रो दोनों तरीके से इन्होंने सोसाइटी के स्ट्रक्चर की स्टडी की। आधुनिक समाज की संरचना का अध्ययन किया उन्होंने, संयुक्त माइक्रो और माइक्रो दोनों लेवल पे उन्होंने स्टडी किया। ठीक, माइक्रो और माइक्रो दोनों लेवल पे उन्होंने स्टडी किया आधुनिक समाज की जो भी संरचना थी उसमें। क्रिटिसाइज मार्क्स गेव अ डिजर्टेड आइडियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन। तो इन्होंने मार्क्स को क्रिटिसाइज किया और क्या कहा कि मार्क्स गेव अ डिजर्टेड आइडियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन। तो ये आपको याद रखना है कि क्रिटिसाइज करते वक्त कार्ल मैनहीम ने क्या कहा था। ठीक, मार्क्स की आलोचना की थी और क्या कहा था, मार्क्स ने एक प्रत्येक आदर्शवादी व्याख्या दी है। ठीक, मार्क्स ने एक प्रत्येक आदर्शवादी व्याख्या दी है, तो इन्होंने क्रिटिसाइज किया है कार्ल मार्क्स को।
आइडियोलॉजी यानी यूटोपिया की बात किया है कार्लमैन ही ने, ये भी बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। विचारधारा और स्वयं परलोक, आइडियोलॉजी आर मेंटल फिक्शंस, तो इन्होंने आइडियोलॉजी को डिफाइन करते वक्त क्या कहा, आइडियोलॉजीज आर मेंटल फिक्शंस। हुज फंक्शन इज टू वेल द ट्रू नेचर ऑफ गिवन सोसाइटी, जिसका फंक्शन क्या है, जो सोसाइटी है उसका जो ट्रू नेचर है उसको फाइंड आउट करना। विचारधाराएं मानसिक कल्पनाएं हैं जिनका कार्य किसी दिए गए समाज की वास्तविक प्रतिकृति पर पर्दा डालना। ठीक, तो मतलब जो भी आइडियोलॉजीज क्या हैं, जो भी गिवन सोसाइटी है उसकी जो नेचर है उसको, जो ट्रू नेचर है उसको छुपाना है। ठीक, विचारधाराएं मानसिक कल्पनाएं हैं जिनका कार्य किसी दिए गए समाज की वास्तविक प्रकृति पर पर्दा डालना। तो जो भी कोई समाज है उस समाज की जो वास्तविक वास्तविक प्रतिकृति है उस पर पर्दा कौन डालता है, उस पर पर्दा डालता है, डालती है विचारधारा। ठीक, दे ओरिजिनेट अनकॉन्सियसली। अब आइडियोलॉजी जो है वो कैसे ओरिजिनेट होती है, अनकॉन्सियसली कॉन्सियसली मतलब कॉन्सियस स्टेज में नहीं होती है। इन द माइंड ऑफ दोज हु सीक्स टू स्टेबलाइज अ सोशल ऑर्डर। तो किसके माइंड में डेवलप होती हैं, जो सोशल ऑर्डर को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। ठीक, वे अनजाने में उन लोगों के मन में उत्पन्न होती हैं, तो जानबूझकर उत्पन्न नहीं होती हैं बल्कि अनजाने में उत्पन्न होती हैं, उन लोगों के मन में होती हैं जो एक सामाजिक व्यवस्था को स्थिर करना चाहते हैं। ठीक, एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। स्टेबलाइज करना मतलब कि एक बराबरी में, मतलब बहुत ज्यादा ज्यादा बढ़ावा नहीं देना और बहुत ज्यादा कम भी नहीं करना, स्टेबलाइज करना। ठीक, तो स्थिर रखना चाहते हैं। तो जो लोग सामाजिक व्यवस्था को स्थिर रखना चाहते हैं, मतलब स्मूथली चलने देना चाहते हैं, उनके मन में अनजाने में ये चीजें जो विचारधाराएं होती हैं वो बनती हैं या उत्पन्न होती हैं। ठीक, यूटोपियाज क्या होते हैं, यूटोपियाज आर विश ड्रीम्स। यूटोपिया क्या है, एक विश या ड्रीम है, जो आप चाहते हैं, जो आप ख्वाब देखते हैं। दैट इंस्पायर द कलेक्टिव एक्शन ऑफ अपोजिशन ग्रुप, जो अपोजिशन ग्रुप के कलेक्टिव एक्शन को इंस्पायर करता है। विच एम एट द इंटायर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी को बदलना चाहते हैं, सोसाइटी को पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं। एक तो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी जो है वो सोसाइटी की जो ट्रू नेचर है उसको छुपाना चाहता है, लेकिन जो यूटोपिया है वो ट्रू नेचर जो है उसको बदलना चाहता है। ठीक, और ये विश है, एक ड्रीम है। ठीक, आइडियोलॉजी जो अभी की सिचुएशन है वो है, लेकिन यूटोपिया जो है वो एक विश है, एक ड्रीम है। यूटोपिया इच्छा के सपने हैं। ठीक, आपकी अपनी इच्छा के सपने हैं जो विपक्षी समूह की सामूहिक कार्रवाई को प्रेरित करते हैं। जो विपक्षी समूह, विपक्षी मतलब कि जो समाज को बदलना चाह रहे हैं वो समाज के विपक्षी हो गए, वो अपोजिशन ग्रुप हो गए। ठीक, तो उन लोगों के को प्रेरित करता है ये। ठीक, समाज के संपूर्ण परिवर्तन का लक्ष्य रखते हैं, तो ये जो है समाज के संपूर्ण परिवर्तन का लक्ष्य रखते हैं। तो आइडियोलॉजीज और यूटोपिया में इन्होंने डिफरेंशन और डिफरेंस दिया है। जैसे कि अगर मैं सती के बारे में बात करूं तो इसमें आइडियोलॉजी और यूटोपिया क्या हो जाएगी, यूटोपिया ये कि जो विपक्षी दल है वो ये कहेंगे कि अगर सती खत्म हो जाएगा तो आगे की जो सोसाइटी होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, वहां पे इक्वेलिटी ऑफ जेंडर होगा। ठीक, जेंडर इक्वेलिटी होगी। ठीक, लेकिन जो आइडियोलॉजी वाले होंगे वो क्या करेंगे, वो सती को ही डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से सही है। ठीक, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो अभी चल रहा है वही चलता है, उसी को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। ठीक, तो ये डिफरेंस है आइडियोलॉजी और यूटोपिया में। यूटोपियन थिंकर सीक्स टू चेंज द करंट सोशल ऑर्डर। तो यूटोपियन थिंकर जो होते हैं वो क्या करते हैं, करंट सोशल ऑर्डर को चेंज करना चाहते हैं। ठीक, जो भी अभी सोशल ऑर्डर चल रहा है उसको बदलना चाहते हैं। ठीक, वाइल आइडियोलॉजिकल थिंकर सीक्स टू प्रिजर्व इट। लेकिन जो आइडियोलॉजिकल थिंकर हैं वो उसको बचाए रखना चाहते हैं। ठीक, वो जो सोशल ऑर्डर है उसी को बचाए रखना चाहते हैं, लेकिन जो यूटोपियन थिंकर हैं वो उसको चेंज करना चाहते हैं, सोशल ऑर्डर को चेंज करना चाहते हैं। यूटोपियन सोच वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को बदलना चाहती है, जबकि वैचारिक सोच इसे बनाए रखना चाहती है। ठीक, तो यूटोपियन यूटोपियन सोच जो होती है वो क्या करती है, सामाजिक व्यवस्था को
बदलना चाहती है, जबकि जो वैचारिक सोच है वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है। ठीक, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया क्या होता है आइडियोलॉजी और यूटोपिया में डिफरेंस? नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ यूटोपिया की बात किया है कार्ल मैनहीम ने। यूटोपिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं? वन ऑफ हिज मेन आइडियाज रिगार्डिंग यूटोपिया इज व्हाट ही कंसीडर द यूटोपियन मेंटालिटी। ठीक, तो उनकी जो मेन आइडिया थी यूटोपिया को लेकर, उसमें क्या थी सबसे मेन आइडिया? यूटोपियन मेंटालिटी, आपकी मेंटालिटी ही यूटोपियन हो जाए, मतलब कि आप अपोजिशन करंट सोशल ऑर्डर को चेंज करना चाहें। ठीक, विच मैनहीम डिस्क्राइब इन फोर आइडियल टाइप, जिसको यूटोपियन मेंटेलिटी को उन्होंने चार टाइप में, चार आइडियल टाइप में डिफाइन किया है। ठीक, यूटोपिया के बारे में उनके मुख्य विचारों में से एक यूटोपियन मानसिकता है। ठीक, जिसको उन्होंने, मैनहीम ने चार आदर्श प्रकारों में वर्णित किया है। तो चार आइडियल टाइप कौन कौन से हो सकते हैं यूटोपिया के, वो उन्होंने बताया है। तो सबसे पहला जो आता है वो क्या आता है? आर्गाइस्टिक चिलियजम। ठीक, आर्गाइस्टिक चिलियजम। तो चार टाइप के यूटोपिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं पूछता है, टाइप्स आपसे पूछ सकता है। वैसे सिर्फ आपसे ये पूछता है जनरली कि आइडियोलॉजी और यूटोपिया किसने दिया था कॉन्सेप्ट, या किससे रिलेटेड है, या कभी कभी कोड से मैच करने के लिए दे देता है। लेकिन आपको टाइप्स भी पता होना चाहिए, हो सकता है डीप से भी क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन अब ये टाइप में अंदर और डीप में नहीं क्वेश्चन पूछता है, बस चार टाइप कौन कौन से होते हैं ये पूछता है। तो आर्गाइस्टिक चेलियाजम ये पहला हो गया, लिबरल ह्यूमनिस्ट यूटोपियाज। दूसरा क्या है? लिबरल ह्यूमनिस्ट यूटोपियाज, उदार मानवतावादी यूटोपिया, द कंजर्वेटिव आइडियाज। तीसरा क्या है? कंजर्वेटिव आइडियाज, रूढ़िवाद विचार, मॉडर्न कम्युनिज्म, आधुनिक साम्यवाद। तो ये चार टाइप्स के यूटोपिया की बात किया है कार्ल मैनहीम ने। आइडियोलॉजी और यूटोपिया के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। टोटल आइडियोलॉजी की बात करते हैं, टोटल एंड पार्टिकुलर आइडियोलॉजी की बात करते हैं हम ये, तो उसमें हम लोग देख लेते हैं टोटल और पार्टिकुलर आइडियोलॉजी के बारे में क्या बात करते हैं। तो टोटल आइडियोलॉजी यानी कि कुल विचारधारा, यूनिफाइड आइडियोलॉजीज ऑफ बोथ बार्जोजीज एंड प्रोलेटेरिएट। तो टोटल आइडियोलॉजी क्या होगी? जो यूनिफाइड आइडियोलॉजीज होती है, मतलब कि जो प्रोलेटेरिएट और बार्जोजी दोनों की एक ही आइडियोलॉजी होती है। तो ऐसा नहीं है कि सारी आइडियोलॉजी में डिफरेंसेज होते हैं दोनों के। ठीक, तो बार्जोजी और प्रोलेटेरिएट की कुछ जो है आइडियोलॉजी जो है वो मिलती है आपस में। तो जो कॉमन आइडियोलॉजी है, जो दोनों लोगों की आइडियोलॉजी है, वो क्या है? टोटल आइडियोलॉजी एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, तो एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हो सकता है कि दोनों की आइडियोलॉजी जो है वो यूनिफाइड हो, दोनों की आइडियोलॉजी मिलती जुलती हो, तो उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया? टोटल आइडियोलॉजी। और पार्टिकुलर आइडियोलॉजी में इन्होंने कहा कि ऐसी आइडियोलॉजी जो किसी एक की हो, चाहे वो प्रोलेटेरिएट की हो चाहे बार्जोजी की। पार्टिकुलर में कहते हैं किसी विशेष। ठीक, तो पार्टिकुलर मतलब ही होता है विशेष, यानी कि किसी एक की, बार्जोजी या प्रोलेटेरिएट की, टोटल में दोनों की आइडियोलॉजी हो जाती है। कुल विचारधारा एक विशेष समय में बर्जुआ और सर्वहारा वर्ग दोनों की एकीकृत विचारधारा है। तो कोई विशेष समय ऐसा होता है जिसमें बार्जोजी और सर्वहारा दोनों की जो आइडियोलॉजी है वो एकीकृत होती है, एक जैसी होती है, उसको उन्होंने नाम दे दिया कुल विचारधारा का। ठीक, यानी कि टोटल आइडियोलॉजी का। पार्टिकुलर आइडियोलॉजी के बारे में क्या कहते हैं उन्होंने? वो पार्टिकुलर कंसेप्शन वुड एम्फेसाइज द वेज इन विच आइडियोलॉजीज कैन बिकम रियल एजेंट ऑफ पावर एंड चेंज। अब पार्टिकुलर की वजह से जो है ये पावर एंड चेंज की ओर जाते हैं, क्योंकि किसी एक आदमी की, किसी एक ग्रुप की जब आइडियोलॉजी होती है तो वो या तो पावर गेन करने के लिए होगी या चेंज लाने के लिए होगी। विशेष अवधारणाएं उन तरीकों पर जोर देती हैं जिसमें विचारधाराएं शक्ति और परिवर्तन की वास्तविक एजेंट बन जाती है। इट इज आइडियोलॉजी ऑफ ओनली वन पार्टिकुलर क्लास। ये किसी एक पार्टिकुलर क्लास की आइडियोलॉजी है, चाहे वो बार्जोजी की आइडियोलॉजी होगी, चाहे वो प्रोलेटेरिएट की आइडियोलॉजी होगी। ठीक, चाहे वो सर्वहारा की आइडियोलॉजी विचारधारा होगी, चाहे वो बुर्जुआ की विचारधारा होगी, दोनों में से किसी एक की होगी, तो उसी को इन्होंने विशेष
अवधारणा यानी विशेष विचारधारा या पार्टिकुलर कंसेप्शन कह सकते हैं या पार्टिकुलर आइडियोलॉजी कह सकते हैं। ये केवल एक वर्ग विशेष की विचारधारा होती है। ठीक, तो समझ में आए दोनों पार्टिकुलर आइडियोलॉजी और टोटल आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस है? ही रिजेक्ट जेन्युइन क्लास कॉन्शियसनेस। तो क्लास कॉन्शियसनेस की बात किसने किया है बताइए जल्दी, क्लास कॉन्शियसनेस की बात किसने किया है कमेंट में बताइए, वास्तविक वर्ग चेतना की बात किसने किया है, हम लोग पढ़ चुके हैं और उसको इन्होंने रिजेक्ट किया। तो वास्तविक वर्ग चेतना को अस्वीकार किया है इन्होंने, मतलब उसको रिजेक्ट किया है। तो किसने दिया था ये अवधारणा, वास्तविक वर्ग या क्लास कॉन्शियसनेस, जल्दी बताइए आंसर। पीडीएफ पढ़ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, मार्क्स में दिया है, गुड। हाँ, तो ये क्लास कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट जो है वो मार्क्स ने दिया था, और ये कहा था कि एक टाइम पे क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप होती है और लोग अपनी क्लास के प्रति जो है कॉन्फ्लिक्ट दूसरे क्लास से कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक, तो क्लास कॉन्शियसनेस की वजह से ही बाद में कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होती है। ठीक, वर्ग वास्तविक वर्ग चेतना जो है वो कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है और उसको इन्होंने कार्ल मानहीन ने रिजेक्ट किया है। कॉन्फ्लिक्ट सोशल क्लीविजेस, तो कॉन्फ्लिक्ट को दूसरा नाम उन्होंने दिया सोशल क्लीविजेस। तो ये भी आपको याद रखना है, संघर्ष को उन्होंने सामाजिक दरार के रूप में भी देखा है। आर नॉट ड्यू टू डाइवर्जन ऑफ इंटरेस्ट बट मोड्स ऑफ थॉट्स। तो ये जो है इन्होंने क्या कहा कि क्लास कॉन्शियसनेस इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये जो है किसी इंटरेस्ट की वजह से नहीं होती है। कॉन्फ्लिक्ट जो होती है यानी कि सोशल क्लीविजेस जो होती हैं वो डाइवर्जन ऑफ इंटरेस्ट की वजह से नहीं होती बल्कि मोड्स ऑफ थॉट्स की वजह से होती, सोच की वजह से संघर्ष होते हैं। ठीक, कॉन्फ्लिक्ट जो होती हैं, सोशल क्लीविजेस जो होती हैं वो मोड्स ऑफ थॉट्स की वजह से होती हैं, डाइवर्जन ऑफ इंटरेस्ट की वजह से नहीं होती। इंटरेस्ट मतलब कि आपका जो बारजू जी है उनका इंटरेस्ट क्या है, प्रॉफिट का है। जो प्रोलिटेरिएट है उनका इंटरेस्ट क्या है, वेजेस का है। ठीक, तो दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग हैं, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है बल्कि मोड्स ऑफ थॉट की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है अकॉर्डिंग टू कार्ल मानहीन। संघर्ष को उन्होंने सामाजिक दरारें कहा है, रुचियों के विचलन के कारण नहीं बल्कि विचार के तरीकों के कारण होता है। तो जो संघर्ष होते हैं वो रुचियों के विचलन के कारण नहीं होते हैं बल्कि विचार के तरीकों के कारण होते हैं। तो ये रिजेक्ट करते वक्त उन्होंने कहा कि कभी भी जो है वास्तविक वर्ग चेतना नहीं हो पाती, जेन्युइन क्लास कॉन्शियसनेस नहीं हो पाती। ही डिडंट सपोर्ट टोटलिटेरियनिज्म। तो टोटलिटेरियनिज्म को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया है, टोटलिटेरियनिज्म को उन्होंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया है। उन्होंने अधिनायकवाद का समर्थन नहीं किया है। ठीक, और उसको ही इन्होंने रिजेक्ट करते वक्त, उनको ही क्रिटिसाइज करते वक्त, टोटलिटेरियनिज्म को क्रिटिसाइज करते वक्त उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था क्रिएटिव या फ्री फ्लोटिंग इंटेलिजेंसिया। एक क्रिएटिव या फ्री फ्लोटिंग इंटेलिजेंसिया, एक तो हिंदी में भी वही होता है, हु हैव द पोटेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग, जिनके पास ये पोटेंशियल होता है चीजों को समझने की, जिनके पास समझने की क्षमता होती है। तो ये क्रिएटिव या फ्री फ्लोटिंग इंटेलिजेंसिया जो होते हैं इनके पास क्षमता होती है, इनके पास पोटेंशियल होती है किसी चीज को समझने की, जिनके पास समझने की क्षमता होती है। दे हैव अ क्रूशियल रोल इन स्टेब्लिशिंग सम फॉर्म ऑफ ट्रूथ इन हाईली फ्रेगमेंटेड सोसाइटी। तो ये क्या करते हैं, ये बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करते हैं किसी भी फ्रेगमेंटेड सोसाइटी में, हाईली फ्रेगमेंटेड सोसाइटी। फ्रेगमेंटेड मतलब जिसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। ठीक, फ्रेगमेंटेड मतलब कई तरह के लोग उसमें रहते हो, उनमें कुछ जो फॉर्म्स ऑफ ट्रूथ हैं उनको जो है स्टेब्लिश करने के लिए क्रूशियल रोल अदा करते हैं। अत्यधिक खंडित समाज में सत्य के कुछ रूपों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं ये जो
क्रिएटिव या फ्री फ्लोटिंग इंटेलिजेंसिया होती है वो। तो दे हैव अ क्रूशियल रोल इन इस्टेब्लिशिंग सम फॉर्म ऑफ ट्रूथ इन हाईली फ्रेगमेंटेड सोसाइटी। अत्यधिक खंडित समाज में सत्य के कुछ रूपों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिलेशनलिज्म। इट इज अ फेनोमेना वेयर आइडियाज एंड बिलीफ आर रूटेड इन लार्जर थॉट्स ऑफ सिस्टम। तो रिलेशनलिज्म को इन्होंने किस तरह से डिफाइन किया है, ये कहा है कि एक फेनोमेना है जहाँ पे आइडियाज और बिलीफ जो है वो लार्जर सोशल सिस्टम में रूटेड होते हैं, मतलब उसमें बनते हैं। ये एक ऐसी घटना है जहां विचार और विश्वास बड़े विचार प्रणाली में निहित होते हैं। एक तो यहाँ पे जो विचार हैं और विश्वास हैं वो बड़े विचार प्रणाली में निहित होते हैं, जिसको उन्होंने संबंधवाद का नाम दिया है, रिलेशनलिज्म का नाम दिया है। लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो बुक का है। बुक कौन कौन सी थी कार्लमैन हिम की, वो हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ थिंकिंग जो 1922-24 में पब्लिश हुई। कंजर्वेटिज्म अ कंट्रीब्यूशन टू द सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज 1925 में पब्लिश हुई। और आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया 1929 में पब्लिश हुई। मैन एंड सोसाइटी इन द एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ये 1935 में पब्लिश हुई, ट्रांसलेशन इसका हुआ 1940 में। डायग्नोसिस ऑफ आवर टाइम 1943 में पब्लिश हुई। एस्से ऑन द सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज, तो एस्से ऑन द सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज दो है, सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज एक है, एस्से ऑफ ऑन द सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज एक है, कंजर्वेटिज्म अ कंट्रीब्यूशन टू द सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो एस्से ऑन सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज ये बाद में पब्लिश हुई, जो 1952 में पब्लिश हुई। तो एक बार सारे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्योंकि इनका भी कॉन्सेप्ट सारा हम लोग कर चुके हैं आज, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है कार्लमैन हिम के। तो सबसे पहला इनका जो है सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का समाजशास्त्र। उसके बाद थ्री स्टेजेस ऑफ उनकी स्टडी के, तीन स्टेजेस जो थे वो हम लोगों ने पढ़ा है, उनके अध्ययन के तीन चरण जो थे। तो पहला चरण जो था वो इपिस्टेमोलॉजिकल इम्प्लीकेशन, ज्ञान मीमांसीय निहितार्थ। उसके बाद उन्होंने मॉडर्न सोसाइटी के जो स्ट्रक्चर थे उनकी स्टडी किया, आधुनिक समाज की जो संरचना की का अध्ययन उन्होंने किया। फिर लास्ट स्टेज में जो है उन्होंने मार्क्स को क्रिटिसाइज किया। एक आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया की बात किया इन्होंने, यूटोपिया के टाइप्स बताए हैं, ऑर्गेनिक चेलिज्म, लिबरल ह्यूमनिस्ट यूटोपिया, द कंजर्वेटिव आइडियाज, मॉडर्न कम्युनिज्म, ऑर्गेस्टिक चेलिज्म, उदार मानववादी यूटोपिया, रूढ़िवाद विचार, आधुनिक साम्यवाद, टोटल आइडियोलॉजीज कुल विचारधारा, पार्टिकुलर आइडियोलॉजीज विशेष विचारधारा। उन्होंने रिजेक्ट किया है जेन्युइन कॉन्शियस क्लास कॉन्शियस को, वो वास्तविक वर्ग चेतना को अस्वीकार करते हैं। ठीक, क्रिएटिव या फ्री फ्लोटिंग इंटेलिजेंसिया की बात किया है इन्होंने। नेक्स्ट है रिलेशनलिज्म, यानी कि संबंधवाद की बात। बुक हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी और कोई क्वेश्चन अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? और दूसरा अनाउंसमेंट जो था वो मैं कर दे रहा हूँ एक बार, तब तक आपको अगर कोई क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं। हम लोग की डेली क्लासेस अब जो होंगी वो ऐप पे ही होंगी, यूट्यूब पे क्लासेस नहीं होंगी। डेली ऐप पे ही क्लासेस होंगी, यूट्यूब पे नहीं होंगी। सो जो वेंसडे और थर्सडे को क्लासेस हो रही थी यूट्यूब पे, अब वो नहीं होंगी, ऐप पे ही होंगी, क्योंकि हमको सिलेबस कंप्लीट करना है जितना जल्दी हो पाए। इस वजह से अब डेली डेली जो है वो ऐप पे क्लास होंगी। और
सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम लोग देखेंगे यूट्यूब पे क्लास करना है या नहीं करना। बाकी और कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन। पीडीएफ वगैरह सही से डाउनलोड हो पा रही है ना? पीडीएफ देख रहे हैं आप लोग या नहीं? पीडीएफ में कोई दिक्कत आ रही हो, रिकॉर्डेड क्लास में कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइए। कि बाकी लोग बोलिए दिक्कत है कोई तो बताइए। और कोई क्वेश्चन? क्योंकि टाइम है अभी हमारे पास इसलिए पूछ रहा हूँ बार बार। कोई भी चीज़ अगर आपको पूछना है पूछ सकते हैं क्लास से रिलेटेड। नहीं है कुछ? ठीक है फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।